बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह दतिया स्थित मां पीताम्बरा शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर वो दतिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान राकेश सिंह ने प्रदेश की मौजूदा कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों की दुर्दशा के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। बुधवार को शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर की पूजा अर्चना करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने देवी बगुलामुखी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेश में हो रही बारिश को रोकने की कामना की। इसके बाद राकेश सिंह ने मंदिर में स्थित अति प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव का भी विधि विधान से पूजा अर्चना की और फिर प्रदेश अध्यक्ष दतिया वृंदावन वाटिका में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान राकेश सिंह ने मौजूदा कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही प्रदेश की सरकार को झूठ बोलने वाली सरकार बताया। मध्य प्रदेश में किसान पीड़ित है बाढ़ के कारण, कहीं कम बारिश के कारण, जहां बारिश नहीं हुई तो पीछे से आने वाली बाढ़ के कारण। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई किसानों की दुर्दशा देख रही। मैं तो जिलों जिलों में घूम रहा हूँ, पहले भी हमने पूछा और इतना समय बीत गया, 9 महीने मध्य प्रदेश में सरकार बने हुए हो गया, लेकिन आज भी कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि उसका कर्जा माफ हुआ। तो क्या किसान झूठ बोल रहा है? सीधी सीधी बात है कि सरकार झूठ बोल। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी कमलनाथ सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है, जिसकी वजह से पूर्व सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक किसानों का हमदर्द बनकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तत्वज्ञ सिंह, न्यूज़ स्टेट, दतिया।